हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिव्यांशी द सिनेमा शो लेकर हाजिर हूं आपके बीच। चलिए फटाफट आपको बताते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी जरूरी खबरें। पहली खबर मशहूर डायरेक्टर मीरा नायर से जुड़ी है। उनके बेटे जोहरान ममदानी 2020 के अमेरिकन इलेक्शन में जीत गए हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की सीट जीती है। इस सीट पर जीतने वाले जोहरान पहले साउथ एशियन बन गए हैं। 28 साल के जोहरान पेशे से रैपर और हाउसिंग काउंसलर हैं। इस जीत के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हम जीत गए हैं, मैं अल्बानी जा रहा हूँ। मैं अमीरों पर टैक्स लगाने, बीमारों को सेहतमंद करने, गरीबों को घर देने और एक सोशलिस्ट न्यूयॉर्क बनाने के लिए लड़ूंगा, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत होगी। युगांडा के कंपाला में पैदा हुए जोहरान ममदानी 7 की उम्र में न्यूयॉर्क में बस गए थे। वे मीरा नायर और एकेडमिशियन महमूद ममदानी के बेटे हैं। मीरा की टीवी सीरीज अ सुटेबल बॉय हाल ही में रिलीज हुई है। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी पर हंगामा थम नहीं रहा। पहले इसी चक्कर में इसका नाम बदला गया था, लेकिन अब भी कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फिल्म को बॉयकॉट करने की बात हो रही है। ट्विटर पर बैन लक्ष्मी मूवी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म का नाम लक्ष्मी माता के नाम पर रखा गया है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से कह रहे हैं इसमें लव जिहाद दिखाया गया है, इसलिए बैन करो। सरकार से भी अपील की जा रही है कि लक्ष्मी की रिलीज पर रोक लगाई जाए। कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस दिवाली पर प्रण लें कि अक्षय की फिल्म लक्ष्मी को बॉयकॉट करेंगे। अक्षय की इस फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब था। करणी सेना और हिंदू सेना की तरफ से फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा गया। सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ। इसके बाद फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब से बदलकर लक्ष्मी रख दिया। ये फिल्म 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ये राघव लॉरेंस की तमिल हिट कांचना की रीमेक है। अगली खबर शाहरुख खान की है। उनके साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जाने माने तमिल डायरेक्टर एटली अगले महीने मुंबई आ सकते हैं। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एटली के साथ उनकी पूरी टीम मुंबई आएगी, जहां प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ मिलकर शाहरुख खान की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि एटली की इस विजिट के बाद ही फिल्म में शाहरुख के अलावा दूसरे एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। फिलहाल शाहरुख दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ पठान फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। उनकी पिछली फिल्म जीरो 2018 में आई थी। कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद सिनेमा घरों को महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर से खोलने की इजाज़त दे दी है। 4 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को 50% ऑडियंस कैपेसिटी के साथ ही खोलने की मंजूरी दी गई है। पूरे 7 महीने बाद महाराष्ट्र में एहतियात के साथ सिनेमाघर खोले जाएंगे। थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के अलावा स्विमिंग पूल और इंडोर स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस, शूटिंग के कोर्ट खोलने की भी अनुमति मिल गई है। साल 2013 में एक फिल्म आई थी, नाम था फुकरे। कहानी थी चार दोस्तों की जो बस किसी भी तरह अमीर बनना चाहते हैं। इस कॉमेडी ड्रामा को लोगों ने काफी पसंद किया और मेकर्स ने साल 2017 में फुकरे रिटर्न्स बनाई। अब जल्द ही इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। एक्टर पुलकित सम्राट ने कंफर्म किया है कि 2021 में फुकरे 3 की शूटिंग शुरू हो सकती है। मृगदीप सिंह लांबा की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। फुकरे सीरीज की फिल्मों में ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी, पुलकित सम्राट, अली फजल, वरुण शर्मा और मनोज सिंह नजर आए थे। बॉबी देओल स्टारर वेब सीरीज आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश झा को महाराष्ट्र करनी सेना ने लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड के ट्रेलर ने बड़े पैमाने पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, साथ ही हिंदू धर्म की नेगेटिव इमेज आने वाली पीढ़ियों के सामने रखी है। इस नोटिस में कहा गया है कि इस वेब सीरीज के ट्रेलर में प्राचीन परंपराओं, रिवाजों, हिंदू संस्कृति, आश्रम धर्म को लेकर गलत ढंग से बताया जा रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। करनी सेना ने कहा है कि 11 नवंबर को रिलीज होने वाली आश्रम चैप्टर 2 को रोका जाए। खबर लिखे जाने तक प्रकाश झा या सीरीज के मेकर्स का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म सूरज पे मंगल भारी दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर शारिक पटेल के हवाले से बताया गया है कि 13 नवंबर को फिल्म थिएटर्स में लग सकती है। शारिक पटेल ने कहा, मल्टीप्लेक्स के साथ अभी चर्चा चल रही है। VPF टैरिफ, OTT रिलीज विंडो,
शोकेसिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर भी बात हो रही है, लेकिन मैं अभी इसकी डिजिटल रिलीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट करना है। फातिमा सना शेख ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनकी फिल्म दिवाली पर रिलीज हो सकती है। सूरज पे मंगल भारी एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें मनोज बाजपेयी एक वेडिंग जासूस के रोल में हैं। फिल्म में वे कई गेटअप में नजर आते हैं। उनके साथ दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर की नोकझोंक होती है। अगली खबर ऋतिक रोशन के हॉलीवुड डेब्यू की बातों से जुड़ी है। बताया जा रहा है वो एक हॉलीवुड स्पाई मूवी में काम कर सकते हैं। मिड्डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने इस रोल के लिए अपना ऑडिशन टेप शूट करके भेजा है। वैसे बातचीत अभी शुरुआती स्टेज की है। ऋतिक ने इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। अगर वे इस फिल्म में फाइनल होते हैं तो जल्द ही काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा ऋतिक अपने पिता के डायरेक्शन में क्रिश 4 पर भी काम शुरू करने वाले हैं। इसकी स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। ऋतिक की लास्ट रिलीज वॉर थी जो 2019 में रिलीज हुई थी और उनके साथ टाइगर श्रॉफ ने काम किया था। जॉन अब्राहम जल्द ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ पठान फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। यशराज बैनर की इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की माने तो जॉन अब्राहम ने इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की फीस मांगी है। अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जॉन का शेड्यूल 60 दिन का होगा। इसमें उनका रोल नेगेटिव बताया जा रहा है। SS राजामौली की सुपरहिट फिल्में बाहुबली और बाहुबली 2 फिर रिलीज होने जा रही हैं। इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर करण जौहर ने ट्वीट करके बताया कि 6 और 13 नवंबर को ये मूवीज थिएटर में रिलीज की जाएंगी। 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली पहली डब फिल्म बनी थी। फिर 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 द कंक्लूजन भी बहुत सफल रही थी। दोनों फिल्मों ने कुल मिलाकर करीब 2500 करोड़ का बिजनेस किया था। दोनों को 5 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। इन फिल्मों में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नासन ने लीड रोल किए थे। अपने समय में इन फिल्मों की लोकप्रियता बेमिसाल थी। जाते जाते अथिया शेट्टी को बर्थडे विश करेंगे। हीरो और मोतीचूर चकनाचूर वाली इन एक्ट्रेस को बहुत बधाई। आज गुजरे जमाने के जोरदार एक्टर रहमान की बरसी भी है। उन्होंने गुरुदत्त के साथ प्यासा, चौधवी का चांद और साहब, बीवी और गुलाम जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया था। प्यासा फिल्म के ही एक गीत से उन्हें याद करेंगे जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी साहब ने और फिल्माया गया गुरुदत्त पर। ये महलो ये तख्तो ये ताजो की दुनिया, ये इंसा के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आज के शो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।